कोनीशी गाइस इसके हो आप सब कुर्कोज बास्केटबॉल के सीज़न टू के एपिसोड नंबर ट्वेंटी सिक्स में आप लोग का हार्दिक स्वागत है और दोस्तों मेरा प्लान था कि भाई जो न्यू ईयर है उससे पहले ही मतलब ये जो सीज़न है ख़त्म कर दूं और मैं सक्सेसफुल भी हुआ हूं इस प्लान पे क्योंकि आज थर्टी फर्स्ट है और आज ही मैंने ये वाला जो एपिसोड है कंप्लीट करके डाल दिया है तो इसका मतलब ये सेकेंड सीज़न यहीं पर ख़त्म होता है और अब कुछ दिनों के बाद से नया सीज़न आएगा और मैंने बीच में सोचा है कि कुछ न्यू एनिमे की एक्सप्लेनेशन करूँ ताकि मतलब चैनल पे थोड़ा और एनिमे के वैरायटीज हों क्योंकि एक ही एनिमे को बार बार एक्सप्लेन करते करते मतलब आप लोग भी बोर हो गए तो थोड़ा मैं नया एनिमे एक्सप्लेन करूँगा तो उसको देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा रेडी रहना क्योंकि वो वाला जो एनिमे जो मैं अभी देख रहा हूँ करने वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है आपको काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है इसलिए मैंने वो एक्सप्लेन करने का सोचा है तो दोस्तों अब सीधा एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं और दोस्तों इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है अपना जो हीगा होता है वो यूसन हाई वालों को देख रहा होता है और सोच रहा होता है ये थोड़े डेंजरस लग रहे हैं मगर कोई बात नहीं हम लोग भी पीछे नहीं हटेंगे इनको अच्छे से मजाज जहाँ पे कि अपना जो कागमी है वो भी जोन में है मगर उसके लिए एक चीज़ बै, न, बैड है कि वो काफी ज़्यादा थक जाता है इस जोन में रहते रहते और वहीं पर हमें दिखाया जाता है गेम स्टार्ट होने वाला होता है मगर तभी जो कुर्को होता है अपने की बारा को बोलता है कि मुझे लगा तुम तो मतलब गिव अप करने वाले हो मुझे ऐसा मतलब तुम्हारा एक्सप्रेशन देख के लगा था जब तुम बेंच के ऊपर बैठे हुए थे और वहीं पर मोरा सखी बारा बोलता है हाँ मैंने ऐसा थोड़ा सा सोचा था मगर अभी उन्होंने अपना मूड चेंज कर लिया है और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है गेम स्टार्ट हो जाता है जहाँ पे कि जो अपना हीरो होता है वो नोटिस करता है कि जो जोसुआ है वो भी काफी ज्यादा चेंज हो गया है पे ये जो की है वो भी चेंज हो गया है और वहीं पे हमें दिखाया जाता है 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 जो बॉल होता होता वो, वो के पास और वहीं पे वो बॉल लेता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है मगर तभी अपना जो होता है है वो उसके सामने आ जाता और वहीं पर हमें एक फेक शॉट दिखाया जाता है जहां पर कि अपना जो तेसुआ होता है वो दिखाता है कि वो शॉट लेने वाला है मगर तभी वो नीचे से निकल जाता है और तभी अपना जो कागमी होता है वो उसके सामने आ जाता है उसको रोकने के लिए और तभी जो अपना कागमी होता है एकदम उछल जाता है उसका मिराज शॉट रोकने के लिए जहाँ पे कि अपना जो तेसुआ होता है कागमी को बोलते हैं देखो कागमी मुझे पता है तुम काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हो और जो हमारे हम दोनों के बीच में जो बैटल चल रहा था ना उसमें डेफिनेटली तुम जीत गए हो मगर ये जो गेम है इसमें मैं जीतूंगा और वहीं पर हमें दिखाया जाता है अपना जो तेजसुआ होता है वो एकदम मुरसा की बारह को पास कर देता है जहाँ पर कि जो मुरासा की बारह होता है वो एकदम घूम जाता है बास्केट करने के लिए और उछल छल जाता है और तभी हमें दिखाया जाता है अपना जो कागमी होता है एकदम फुल स्पीड से आता है और जो जरासा की बारह है उसको रोकने लगता है जहाँ पे कि सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं भाई ये अभी तो हवा में था और तुरंत इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे आ गया और वहीं पर हमें दिखाया जाता है अपना जो मुरासा की बार होता है वो भी पास कर देते हैं तेजसुआ को जहाँ पर कि जो तेजसुआ होता है वो बोर्ड शॉट लेके एकदम बास्केट कर देता है और अपना जो कागमी होता है ये वाला शॉट रोक नहीं पाता और फिर उसके बाद जो यूसन वाले होते हैं एकदम चेयर कर रहे होते हैं कि भाई हमने एक बास्केट कर दिया और वहीं पे जो अपने जनरेशन मेरीगल वाले होते हैं जैसे अमीना हो गया और कीसे हो गया वो लोग ये देख के हैरान होते हैं कि अपना जो मुरासा की बार है उसने पास किया वो भी पहली बार और और वहीं पर तभी हमें दिखाया जाता है अपना जो कागमी होता है वो ईजीली के पास जाता है और उसको कुछ बोलता है मगर हमें नहीं दिखाया जाता है और तभी जो बॉल होता है वो अपने कागमी के पास होता है जहाँ पे कि वो बॉल लेके आगे आ रहा होता है मगर तभी उसके सामने एक बंदा होता है और वहीं पर वो उससे एकदम कटा के एकदम आगे बढ़ जाता है जहाँ पे कि मुदसा कि बारह आता है और वहीं पर वो उससे कटा रहा होता है मगर तभी अचानक से वो बॉल पकड़ता है और एकदम कुरकु को पास कर देता है जहाँ पे कि कुरकु जो होता है मिस डायरेक्शन इस्तेमाल करता है और बॉल को एकदम रिंग की तरफ़ फेंक देता है और वहीं पे हमें दिखाया जाता है अपना जो कागमी होता है वो एकदम उछल के बास्केट कर देता है और फिर उसके बाद अपना जो कागमी होता है फिर से आता है और एकदम कटाते हुए आगे बढ़ जाता है जहां पे कि हमें दिखाया जाता है मोरासकी बारह फिर से उसके पास आता है और तभी अपना जो कागमी होता है वो अपने ईजिकी को पास कर देता है जहाँ पे कि ईजिकी बॉल लेता है और एकदम उछल जाता है बास्केट करने के लिए जहाँ पे कि अपना जो मोरासकी बारह होता है वो उसको तुरंत रोकने के लिए उछल जाता है और हाथ लगा देता है मगर तभी तक में अपना जो ईजिकी होता है वह अपना ईगला इस्तेमाल करता है जहाँ पे कि पीछे बॉल फेंक देता है और वहीं पर जो कागमी होता है वो हवा में होता है तभी तक में और बॉल लेके एकदम बास्केट करने

एक मिनट एट सेकंड बाकी रहते हैं मगर वहीं पे सभी लोग काफी ज्यादा थक चुके होते हैं और अपने जो आगमी होता है उसका भी लिमिट खत्म होने वाला होता है जोन का जहाँ पे कि अगर उन्होंने योसन वालों को टीम वर्क करते हुए नहीं रोका तो मतलब यह उनका गेम हारना पक्का है तभी जो बॉल होता है वो एकदम बाहर चला जाता है जहाँ पे कि हमें दिखाया जाता है अपने जो सीरियन होते हैं उनके अंदर मेंबर चेंज होने का अनाउंसमेंट होता है और हमें दिखाया जाता है अपना जो एग्जीक्यू होता है वो थोड़ा सा खुश हो जाता है और तभी वो देखता है कि अपना जो टेपे होता है वो बाहर आया हुआ था और उसके लिए मेंबर चेंज हो रहा होता है जहाँ पे कि सब सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और अपने जो इजी इजिक्यू टिपे होता है वो बोलता है कि क्या मैंने कुछ ज़्यादा कुछ मिस तो नहीं कर दिया ना और वहीं पर हमें दिखाया जाता है जो यूसन वाले होते हैं वो लोग सोच लो रहे होते हैं क्या ये लोग पागल हो गए मतलब इसको अभी लाने की क्यों ज़रूरत था और वहीं पर जो टेस्ट होता है वो बोलता है कि अपने मौरा सा की बारह ने उसको फिज़िकली और मेंटली इतना ज़्यादा प्रेशर किया मगर फिर भी वो यहाँ पे आया है खेलने के लिए सभी इसको आयरन हार्ट बोला जाता है और वहीं पे हमें दिखाया जाता है मोरा सा की बारह होता है वो थोड़ा सा गुस्सा होता है और बोलता है कि मुझे कितनी बार तुम क्रश करना पड़ेगा और वहीं पे अपना डेबी बोलता है तुम तो जितनी बार भी क्रश करोगे मैं दोबारा उठ के वापस आ जाऊँगा तो खड़ा हो जाऊंगा और यही मेरा स्ट्रेंथ है और तभी जो गेम होता है वो स्टार्ट हो जाता है और अपना जो बॉल होता है वो योजन वाले के पास होता है जहाँ पे कि वो अपने टेस् को बॉल पास करता है और वहीं पर जो तेसुआ और जो कागमी होता है वो एकदम कटार होते हैं एक दूसरे से और अपना जो कागमी होता है वो उसका पीछा नहीं छोड़ रहा होता है और तभी तेजसुआ शॉट लेने की कोशिश करता है मगर तभी अपना कागमी उछल जाता है और वो जो तेतसुआ होता है वो मुरासा के बालों को बॉल पास करता है जहाँ पे कि मुरासा बारा जो होता है वो एकदम उछल के बास्केट करने वाला होता है मगर तभी हमें दिखा है, अपने जो काग भी होता है, वो आ जाता है उसको रोकने के लिए। तभी सभी लोग सोच रहे होते हैं भाई यहाँ पे तो ये गए लोग क्योंकि ये बास्केट कर देगा क्योंकि अपने जो टेपे है उसको पता नहीं कि मिराज शॉट रोकते कैसे मगर वहीं पर रिको होती है वो बताती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जो मिराज शॉट है उसको दो तरीके से रोका जा सकता है जहां कि पहला जो शॉट है जिसे कागमी रोकता है दोनों शॉट को एक साथ रोकता है वहीं पे जो अपना दूसरा शॉट है वो हम लोग किस तरीके से रोक सकते हैं वो है कि जो करके तो, अगर जो है, दो बार है, तो हम लोग को बस थोड़ा सा डिले करना पड़ेगा अपना जंप और करना पड़ेगा कि वो कब शॉट लेने वाला है और वही सेम चीज अपना अपना जो टेपे है वो करेगा और वहीं पर हमें दिखाया था अपना जो टेपे होता है वो थोड़ा सा डीले करता है और एकदम जंप कर जाता है उसको रोकने के लिए और तभी सब लोग सोच रहे थे कि भाई ये जो अपना टेपे है वो फर्स्ट रिलीज उछल गया उसको रोकने के लिए मगर वहीं पे हमें दिखाया था है अपने जो टेपे होता है ये फेक देता है जहाँ पे कि हमें दिखाया जाता है कि अपने जो टेपे होता है वो ज़मीन पे ही रहता है और वहीं पे जो अपना जो डेस्व होता है उसको ये चीज़ पता रहता है कि भाई इसने ये फेंक दिया है मगर अगर वो उछल जाता है तो मैं इसको मतलब रोक नहीं पाता और मैं फर्स्ट रिलीज में ही बास्केट करने की कोशिश करता और मैं भी पक्का इसमें इस जाल में फंस जाता है मगर वहीं पर अपना जो टेपे होता है वो ज़मीन पर खड़ा रहता है उसको रोकने के लिए और वो इंतज़ार कर रहा होता है कि कब वो मतलब बास्केट करेगा और वो उछलेगा रोकने के लिए तभी जो टेपे वो बताता है कि जो प्रिडिक्शन सब वो मेरे बस की बात नहीं है इसलिए मैं प्रिडिक्शन नहीं करता और पूरा लूज होने का ट्राई करता हूँ कि मैं मतलब हार जाऊँ और वहीं पर वो बताता है कि जैसे ही तुमने जंप किया ना तभी तुमने फर्स्ट रिलीज कर दिया था और वहीं पर कोई भी आम इंसान जो है वो एकदम उछल जाएगा तुमको रोकने के लिए बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है तुम सेकेंड रिलीज तभी करते हो जब तुम एकदम नीचे आने लगते हो और वहीं पे हमें दिखाया जाता है यही तो एक डिसएडवांटेज है जहां पे कि वो अगर रिलीज कर भी देगा ना तो कोई भी छोटा इंसान उसको रोक सकता है और वहीं पे हमें दिखाया जाता है अपना जो आता है वो एकदम जंप लेता है और अचानक से बॉल के ऊपर हाथ मार देता है जहां पे कि हमें दिखाया जाता है तुरंत अपना जो कुरु होता है वो बॉल पकड़ता है और इजिकी को पास कर देता है जहां पे जो इजिकी होता है और बाकी दो प्लेयर्स एकदम आगे बढ़ जाते हैं बास्केट करने के लिए जहां पे जो इजिकी होता है वो तुरंत अपने कागिमी को बॉल पास कर देता है और जो कागिमी होता है वो एकदम आगे आता है और एकदम थ्री पॉइंटर लेने के लिए उछल जाता है और एकदम बॉल फेंक देता है जहां पर हमें दिखाया जाता है जो बॉल होता है वो एकदम रिंग के पास जाता है और टकरा के वापस रिबाउंड की तरफ

ये लोग एक और बास्केट कर देंगे तो ये लोग कम कर सकते हैं और वहीं पर बोलते हैं तो है, मुरासा की बारह ज्यादा ही गुस्से में लाइट निकलने लगता है जो कि अपने के से निकलता है, जब वो जोन में जाता है और फिर जो बॉल होता है वो रन वालों के पास होता है और वो लोग एकदम पास करके एकदम अपने टेपे को पास करते हैं जहां पर जो टेपे होता है वो मिराज करता है और तभी तुरंत वो पीछे से निकल जाता है और फिर जाते एकदम बास्केट करने के लिए और तभी वो उछल जाता है बास्केट खेलने के लिए और जो अपना कागमी होता है वो भी उछल जाता है उसको रोकने के लिए पे जो अपना होता है वो एकदम पास कर देता है और हमें दिखाया जाता है 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 जो अपना की बारा होता वो बॉल लेता है और एकदम थ्री सिक्सटी डिग्री घूम के एकदम बास्केट करने ही वाला होता है तभी अपना कागमी आ जाता है उसको रोकने के लिए और एकदम रोकने लगता है और जो अपना टेसुआ होता है वो बोल रहा होता है बस अब और पास नहीं ये तुमको बास्केट करना ही होगा और हमें दिखाया जाता है दोनों हवा में स्ट्रगल कर रहे होते हैं और वहीं पर अपना जो मोटा

जो है इतनी फास्ट तरीके से तो वहां तक नहीं पहुंच ये क्या हो रहा है और तभी कागमी भी समझ आता है, हाँ, है, तो है, है। कागमी के, जीतने के जो है, वो काफी हैं और तभी हमें दिखाया जाता है अपने जो कागमी और जो मुरासा की बारह होता है वो एकदम आमने सामने होते हैं और उसके जो टीम होते हैं कागमी के सभी लोग बोल रहे होते हैं कागमी और वहीं पर हमें दिखाया जाता है जो कागमी होता है वो एकदम अपने मन में सोच रहे होते नहीं अभी नहीं अभी मैं इस मोमेंट पे आके ऐसे हार नहीं मान सकता बस थोड़ा सा और ये इसका काम है कि अपने टीम को जीत दिलाना बस अब और नहीं मैं अपने लिमिट्स को और ज़्यादा क्रॉस करूंगा और वहीं पे वो एकदम उछल जाता है और जो अपना तेजस होता है वो अपने मन में सोच रहे होते हैं नहीं ये मतलब हुक तक जो है वो पहुंच नहीं पाएगा क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा ही पहले जंप ले लिया और वहीं पर हमें दिखाया जाता है जो अपनी एलेक्स होती है वो समझ आती है कि अपना जो कागमी है वो क्या करने वाला है हमें बताया जाता है जो अपना कागमी है वो बड़े ही दूर से बास्केट कर सकता है अगर ये मतलब जोन में है तो मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है दोनों पॉसिबिलिटीज़ है और वहीं पे हमें दिखाया जाता है अपना जो मुरासा की बारा होता है वो भी उछल जाता है उसको रोकने के लिए और वहीं पर अपना जो कागमी होता है वो भी हवा में होता है और दोनों एकदम काफ़ी ज़ोर से चिल्ला रहे होते हैं और दोनों के दोनों चाह रहे हो कि एक बास्केट हो जाए एक मतलब रोक दे उसको और वहीं पर अपना जो कागमी होता है वो एकदम दूर से ही रिंग के अंदर बॉल फेंक देता है और डायरेक्ट जो बॉल है वो अंदर घुस जाता है और ये देख के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं भाई ये क्या हो गया और वहीं पे जो अपना काग गिमी का जो मतलब टीम का स्कोर है वो अब सेवेंटी थ्री हो चुके हैं और वो लोग एक पॉइंट आगे हैं तभी हमें दिखाया जाता है अपना जो मुरासा की बारा होता है वो एकदम उनके कोर्ट की तरफ भाग जाता है और वहीं पर अपना जो टेस्टो आते हैं वो भी बॉल उनकी तरफ फेंक देता है और सभी लोग बोल रहे थे नहीं नहीं अभी गेम खत्म नहीं हो अभी हमें भागना पड़ेगा और वहीं पर अपना जो ईजी की होता है वो देखते हैं कि कागिमी कहें का और वहीं पर जो अपना जो कागिमी होता है वो जमीन पर नीचे रहता है और वो उठ नहीं पा रहा होता है उसकी जो टांगे हैं वो जवाब दे चुकी होती हैं और वहीं पे तभी सभी लोग उस मुदा साकी बारा को रोकने के लिए भागते हैं हैं बट वो लोग टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे और वहीं पे हमें दिखाया जाता है अपने जो मुदसा की बारा होता है वो एकदम रिंग के पास जाता है और जैसे ही जंप करने के लिए उछलता है मगर वो उछल नहीं पाता और वहीं पर उसकी जो नीज़ होते हैं वो जवाब दे देते हैं और वहीं पर यह देख के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं और तेरसवा अपने मन में सोच रहा होता है कि ये ऐसा नहीं हो सकता ये एंड मोमेंट पर आके वो जंप क्यों नहीं कर पा रहा और वहीं पर उसको याद आता है कि कैसे करके वो पूरे गेम में उछल उछल के सबको रोकता रहा और वो भी मतलब उसने ये भी ध्यान नहीं दिया कि उसके नीज़ का क्या होगा वहीं पे वो हर बार उछल के सबको रोक रहा था और उसी की वजह से उसके नीज़ अभी जवाब दे रहे हैं और जब मुरसा सा कि बारह होता है अपने मन में सोच रहा होता है कि भाई मैं उठ क्यों नहीं पा रहा मैं उठ क्यों नहीं पा रहा क्या मैं मतलब ऐसे बॉल फेंक क्यों नहीं सकता और वहीं पर तभी हमें दिखाया था अपना जो कुरुको होता है वो दौड़ते हुए आ रहा होता है और बोल रहा होता है कि अब तुम उठ भी नहीं पाओगे और हमारे जो अपर क्लासमेंट्स हैं वो ये वाला गेम जीत कर रहेंगे और तभी हमें दिखाया था अपना जो कुरुको होता है वो एकदम उछल जाता है और बॉल के ऊपर हाथ मार देता है और जो स्कोर होता है वो उतना उतना ही मगर जो टाइम होता है वो खत्म हो जाता है और इसी के साथ अपनी जोरिन होती है, ये वाला जाती है और वहीं पे सभी लोग एकदम खुशियां मनाने लगते हैं कि वो लोग जीत गए मगर वहीं अपना मुरसा की बारह होता है उसके घुटने एकदम काटने लगते हैं जहां पर हमें दिखाया था टुआ होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या कुरु को पहले से पता था कि अपना जो मुरसा की बारह वो लास्ट में जा जाकर मतलब उसके जो घुटने वो जवाब दे देंगे और वहीं पर इसीलिए वो वहां पर रुकाने और एकदम चला गया उसको ब्लॉक करने के लिए सॉरी सॉरी ये वाला जो लाइट

पे होता है वो अपने मुरसा की बारह के पास जाता है और बोलता है कि हे मुरसा की बारह क्यों ना हम लोग कभी और खेले और वहीं पे अपने जो मुरसा की बारह होता है वो बोलता है कभी भी नहीं क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि मैं आज हार गया हूँ इस वजह से मैं गेम छोड़ रहा हूँ मेरे को ये जो गेम है अभी भी बोरिंग लगता है अभी भी पसंद नहीं आया और मैं आगे जाके ये शायद गेम और नहीं खेलूँगा और जो टेपे होता है वो बोलते हैं अच्छा ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा तुम्हें जैसा फील होता है तुम सही समझो ये चीज़ अपने कागमी और कुरु को देख रहे होते हैं और जो कागमी होता है वो कुरुओ से पूछता है क्या ये सच में गेम छोड़ देगा क्या और वहीं पर कुरु को बताता है कि नहीं नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता जितना वो बताता है कि वो इस गेम को हेट करता है उतना है नहीं चुल्ह में और वहीं पे जो अपना मुरसा की बारह होता है वो अपना टॉवल ऊपर रख के कुछ तो बैग में ढूंढ रहा होता है रख रह रहा होता है सामान और तभी अपना टैसवा आ जाता है जहाँ कि वो उसको बोलता है कि हे कोई बात नहीं हम लोग अगली बार जीतेंगे और जो अपना मुरसा की बारा होता है वो बोलता है कि शट अप मैंने बोला ना मैं ये गेम छोड़ दूंगा और वहीं पर अपना टेस्वा बोलता है मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें यह गेम छोड़ने वाला हो और वहीं पर अपना जो मरसा की बारह होता है वो रोने लगता है और यहाँ पर दोस्तों मैं मुरसा की बारह के लिए मतलब बहुत ज़्यादा सैड फील करता हूँ और फिर उसके बाद जो मुंबई होती है वो आउमिनी से पूछ रही होती है मुझे तो लगा था कि मुरसा की बारह जोन में एंटर नहीं कर सकता और वहीं पे अपना आउमिनी बोलता है हाँ लगा तो मुझे भी था मगर फिर भी अपना जो मुरसा की बारह है वो जोन में एंटर करने में कामयाब रहा और तुम्हें पता है इसका मतलब क्या है और तभी सीन करता था हमें दिखाया जाता है कि रिजो रिको होती है सबको बोल रही होती है कि देखो गाइस हम लोग अभी तो सेलिब्रेट कर सकते हैं मगर हम लोग करेंगे नहीं क्योंकि जो नेक्स्ट टीम है वो हमारे ऊपर है और हमें उसके बाद ही पार्टी वार्टी जो करना होगा सेलिब्रेट किया जाएगा और वहीं पर जो अपना मीडरमा होता है और आकाशी होता है दोनों के दोनों उस गेम में होते हैं और वहीं पे उसके बाद जो अपनी जो सीजन होती है वो अपने जगह जा रही होती है तो रस्ते में अपने किसे मिलता है और जो कुरुको होता है वो किसे को बोलता है कि हम लोग तुमको सेमीफाइनल में मिलेंगे और वहीं पर बोलता है हाँ श्योर और फिर उसके बाद जो क्रुको और जो कागमी सब होते हैं सब लोग जा रहे होते हैं और तभी अपने जो क्रुको होता है वो कागमी को बोलता है मुझे तुमसे थोड़ा बात करना है और वहीं पर बोलता है हाँ बोलो वो बोलता है कि मैं तुम पर थोड़ा सा गुस्सा हूँ और बोलते क्या हो गया अभी तो हम गेम जीते मैंने ऐसा क्या कर दिया और वहीं पर बोलता है कि तुम और जो जो देख है वो दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है उसके ऊपर मैं मैड हूँ वो बोलता है तो क्या हुआ हम लोग अब ब्रदर्स तो रहे ही नहीं ना इससे फ़र्क क्या पड़ता है और वहीं पर बोलते हैं हाँ तो तुम लोग इडियट हो क्या और तभी जो अपना कुरगो होता है वो रिंग निकाल के उसको दिखाता है और बोलता है कि ये देखो और वहीं पर अपना जो कागमी होता है वो बोलता है मैंने कहा था ना तुम इसको फेंक दो तो तुमने फेंका क्यों नहीं और वहीं पर जो कुरगो होता है वो बोलता है कि मैं फेंकने जा रही था मगर फिर ऐसे फीलिंग आया कि नहीं इसको फेंको मत ये कभी दोबारा काम आ सकता है और फिर उसके बाद हमें तजुआ और अपना एलेक्स दिखाई जाती है जहाँ पे कि जो एलेक्स होती है वो उसको बोल रही थी काफ़ी ज़्यादा क्लोज गेम था और फिर तेजसा उससे माफ़ी मांगता है जिस जो भी उसने कहा और वहीं भी बोलते नहीं नहीं मैं ऐसे कुछ मतलब तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं हो ये सब तो ऐसे बहुत सारे लोग ने मुझे कह के कह के जा चुके हैं और वहीं पर हमें गुरुको की आवाज़ सुनाई दी जाती है जहाँ पर गुरुको बोलता है किसने कहा कि तुम लोग उस गेम के बाद ब्रदर्स नहीं रह सकते अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उसको यहाँ से जाने नहीं देता और वहीं पे अपने जो कागमी होता है वो रिंग लेता है और एकदम भाग जाता है और दोस्तों यहीं पे ये वाला जो एपिसोड है ख़त्म होता है और दोस्तों तो ये वाला जो एपिसोड है ये आखिरी एपिसोड था इस सीज़न टू का और अभी तक मैं शायद न्यू ईयर हो चुका क्योंकि मैंने प्लान बनाया इसको बारह बजे के आसपास अपलोड करने का तो मतलब तब, तब तक मैं रिलीज़ हो जाना चाहिए पूरा तो देखो दोस्तों आप लोग को एक हैप्पी न्यू ईयर और मानता हूँ कि ये एपिसोड कुछ ज़्यादा ही लंबा है और होना भी क्यों नहीं चाहिए ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशल एपिसोड था और दोस्तों बस आज के लिए इतना ही और हैप्पी न्यू ईयर की शुभकामनाएं आपको एक और बार और दोस्तों मैं भी लूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नारा बाय बाय is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like a ceiling candle.